أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम लोग जो है तारीख तिब का एक लेक्चर है जालीनूस जिसको गैलेन कहा जाता है। जालीनूस का जो है 10 मार्क में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है तबीबों के अंदर इसका जो है किरदार है, इसलिए जो है इनका लेक्चर जो है बनाना जो है इंपॉर्टेंट है। जालीनूस जो है ये भी एक तबीब जो है गुजरे हैं जिनका तिब्बे यूनान में बहुत अहम रोल है। ज़्यादा मैं तस्करा ना करते हुए अपनी बात को और अपने टॉपिक को जो है शुरू करूंगा, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि तारीख तिब में तबीबों के बारे में तीन चीज़ें लिखना है, तारुफ है, उनका तालीम और तरबियत है, और फजल व कमाल है। और तीन चीज़ों के बाद फजल व कमाल के अंदर 10 मार्क में अगर कोई लॉन्ग पूछता है जैसे बुकरात है, तो बुकरात के अंदर जो है फिर उनकी तारीख बयान करना है, यानी जो उन्होंने अखलाक का नजरिया पेश किया। तो यहाँ पर मैं जालीनूस के बारे में जो है बात करूँगा। जालीनूस की जो तारुफ है कि जालीनूस इनका जो यौम पैदाइश यानी इनकी जब पैदाइश हुई तो पैदाइश के वक्त 129 AD के अंदर जो है इनकी पैदाइश हुई, और एशिया का एक कोचक यानी माइनर एशिया माइनर जो है एक मुकाम वहाँ पर जिसको कदीम जमाने में जो है परगामून कहा जाता था, वहाँ पर 129 AD के अंदर जो है जालीनूस की जो है पैदाइश हुई। और इनका जो दौरे हयात है यानी इनकी जो जिंदगी का जो दौर था वो 129 AD से लेकर 200 AD तक। मैंने BC और AD में पहले भी फर्क बताया हूँ कि BC के अंदर रेंज कम होती है लेकिन AD के अंदर ज़्यादा होती है। अब आइए हम तारुफ के बाद जो है इनकी तालीम और तरबियत की तरफ चलते हैं। तालीम के अंदर के जालीनूस की इब्तदाई तालीम जो है इनके वालिद ही से शुरू हुई, इस बात के बहुत सी किताबों में जो है सबूत भी मिलते हैं, मुहक्किकीन ने इस बात को साबित भी किया है, क्योंकि जालीनूस जो है इल्मे हिंसा और इल्मे रियाजी में बहुत महारत रखते थे, इसलिए और इनके वालिद जो थे वो इल्मे रियाजी और इल्मे हिंसा के माहिर उस्ताद थे, इसलिए इब्तदाई तालीम जो है जालीनूस ने जो है अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। उसके बाद इन्होंने बुकरात और बुकरात के साथ जो है एक तबीब है जिनका नाम जो है अरस्तु, बुकरात और अरस्तु की जो किताबें हैं, अरस्तु की किताबों से जो है इन्होंने उस पर तहकीक की, उसमें जो है एक रिसर्च की, उसके बारे में इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करने के बाद तालीम और तरबियत के अंदर के अरस्तु और बुकरात की किताबों से इन्होंने इल्म हासिल किया और उसको अपनी ज़िंदगी में जो है उसके ऊपर अच्छे से तहकीक की। और इसके अलावा बहुत सारी तालीम और तरबियत कि इन्होंने कई सारी चीज़ें जो है परिंदों से जानवरों से सीखी, और मुफरद अदवियों का जो है इनके पास इल्म था, इस बात के जो है हम लोग को जो है सबूत मिलते हैं किताबों से, तारीख की किताबों से लिखने वाले मुहक्किकीन ने जो है तालीम और तरबियत के बारे में जो है ये लिखा है। अब आइए कि तालीम और तरबियत का जो है इतना ही टॉपिक जो है किताबों के अंदर ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन समझाने के हिसाब से जो है शॉर्टकट तरीके से आपको सिर्फ वे एक तरीके से जो है समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने के अंदर जब आप पढ़े तारीख को तो आपको समझने में आसानी हो। इन्होंने जो है एक तालीम और तरबियत में इनकी ये भी चीज़ें लिखी जा सकती है कि इन्होंने जो है उकने का अमल अमल ताहिर जिसको कहते हैं एक परिंदे से सीखा, जिसको अमल ताहिर के नाम से याद अमल ताहिर के नाम से जो है उसकी टर्मिनोलॉजी दी गई है, इसलिए अमल ताहिर कहा गया, क्योंकि वो जो अमल है इन्होंने जो है कौवे के जरिए सीखा। तालीम और तरबियत के बाद चलते हैं कि इनके फजल और कमाल। फजल और कमाल के अंदर कि इन्होंने जो है बहुत सारी चीजों में जो है महारत हासिल की, तो इनका सबसे पहला फजल और कमाल है बहैसियत तबीब। तबीब की बहैसियत से इनका फजल कमाल क्या था कि एक तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, और इनका जो तबाबत का जो अमल था कि इनके जो इल्म था, इल्म ये एक मुत्तहिद नहीं था बल्कि लामहदूद इनके पास इल्म था, इसलिए लामहदूद मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बुकरात और अरस्तु की जो किताबें उसका मुतालिया किया और उस किताबों के ऊपर अपनी भी तहकीक पेश की,
और इस चीज के कि इनके पास सिर्फ एक इल्म नहीं था बल्कि तालीम निस्वान यानी इनके पास जो इल्म था कि औरतों के गायनेकोलॉजिस्ट का भी इल्म था, कबालत का इल्म था यानी बच्चों की जो बच्चों के वक्त में जो बीमारियां होती है उस वक्त जो बीमारियां लाहक होती है उसका भी इनके पास इल्म था, और इसके अलावा अमराज अत्फाल जो बच्चे होते हैं उसके बारे में इल्म था, इसके अलावा फिजियोलॉजी जिसको मनाफिउल आज़ा कहते हैं उसके बारे में इनका इल्म था, इसलिए इनका इल्म महदूद नहीं था बल्कि लामहदूद था। अब तबीब के उसमें इन्होंने क्या फराइज अंजाम दिए, तो जालिनुस बेहतरीन तबीब रहे, क्यों कि इस बात का सबूत भी मिलता है कि एक दफा जो है जालिनुस एक सफर पे थे, सफर के ऊपर एक मजमा लगा हुआ था, मजमे में देखे जालिनुस वहां पर गए तो वहां पर एक मरीज जो है लेटा हुआ था और उसके जो है एक बीमारी मर्ज में जो है वो मुब्तला था, आसपास जो है उसके बहुत सारे जो है मरीज के जो है हकीम बैठे हुए थे और वो उसकी फसद खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन जालिमूस ने जो है उनको मना किया कि उसकी फसद ना खोली जाए बल्कि कुछ देर इंतजार की जाए, इसके जो है मुंह से जो है फासिद खून का जो है इखराज हो जाएगा, जब फासिद खून का इखराज होगा तो मरीज जो है खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये बात जो है जालिमूस की सही साबित हुई, जालिमूस की जब इस बात को सही साबित हुई तो जालिमूस ने उसको जिस तरह बताया था कि मरीज जो था थोड़ी आधे घंटे या कुछ देर के बाद जो है उसकी नाक से जो है फासिद खून जो है निकलना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके मरीज जो है ठीक हो गया। यही एक जो है एक जो अपने जिंदगी का जो है ये मसाइल नहीं मिलते हैं जालिनुस के, बल्कि जालिनुस की तबाबत इतनी अहम थी, इतना इल्म उसके पास था कि जालिनुस बहैसियत तबीब एक ये एक वाकिया नहीं है बल्कि लामहदूद वाकिया किताबें में दर्ज है कि एक दफ़ा सफ़र में थे, एक औरत का हमल के जो है वक्त का कुछ वाकया पेश आया, उस वक्त उसका उन्होंने जो है इलाज किया, और इसके अलावा कई सारे जो है क्योंकि जालिनुस जो है चलते फिरते सफ़र के अंदर जो है इलाज को जो है तरजीह दे देते थे और मुफरद अदबियों के जरिए ही इलाज को जो है तरजीह देते थे। दूसरे जो इल्म है वह है बहैसियत मुहक्किक, बहैसियत मुहक्किक मुहक्किक कहते हैं तहकीक कि जालिनुस ने क्या तहकीक की, तो इस बात की जो है बहुत सारी चीजें हैं कि जालिनुस ने सिर्फ अरस्तु और बुखरात की किताबों का ही मुतालेआ नहीं किया बल्कि इन्होंने इतनी चीजों के बारे में इल्म बताया कि हम जानना चाहे तो एक जालिनुस के ऊपर कई किताबें जो है हम लिख सकते हैं कि जालिनुस की कई किताबें कैसी है, कितनी उन्होंने उसके ऊपर जो है रिसर्च की, कैसी कैसी इल्म को उन्होंने जो है जानकर जो है एक जगह किया है। तो जालिनुस ने जो है तहकीक के अंदर कि जालिनुस ने मनाफिउल आज़ा फिजियोलॉजी के अंदर सबसे अहम किरदार अदा किया, क्योंकि अरस्तु को हमने पढ़े पिछले टॉपिक में कि अरस्तु की किताबों का इन्होंने मुतालिया किया, तो अरस्तु की किताबों से इन्होंने जो है फिजियोलॉजी को अहमियत हासिल की, इन्होंने लंग्स किडनी और फेफड़े लंग्स फेफड़े किडनी गुर्दे उसके बाद आसाब दिमाग जितने फिजियोलॉजी के ऑर्गन हैं अज्म हड्डी उनकी साख्त के बारे में जो है इन्होंने तशरीह बयान की और उसको जो है तहकीक उसके ऊपर की। ये एक तहकीक ही नहीं की बल्कि इसके अलावा इन्होंने बताया कि आर्टरी जो शिरियान है उसका मुद्दा यानी इब्तदा जो है वो हार्ट यानी कल्ब और अवता यानी औरोटा उससे होती है। यही तहकीक इसके अलावा बहुत सारी तहकीक जो है जालिनुस ने की। अब तीसरी चीज फजल कमाल के अंदर है बहैसियत मुसन्निफ, मुसन्निफ के अंदर मैं ये चीज आपको वाजे कर दूं कि जालिनुस जो है एक मुसन्निफ ऐसे है कि इनकी किताबें मदरसा अस्कंदरिया में जो अपन आगे मदरसे के अंदर जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि मदरसे अस्कंदरिया में इनकी किताबें जो इन्होंने लिखी है सिर्फ 16 किताबें मदरसे अस्कंदरिया में पढ़ाई जाती थी जिसको जवामीउल अस्कंदरैन कहते हैं, वो किताबें 16 किताबें तकरीबन जो यहाँ पर जो है मदरसे अस्कंदरिया में पढ़ाई जाती थी जो जालिनुस की थी। जालिनुस ने सिर्फ 16 किताबें ही नहीं लिखी बल्कि कितनी किताबें लिखी इसका किसी के पास इल्म नहीं है, जिसमें से इन्होंने किताबें लिखी किताबुल फर्क, सबसे पहली किताब जालिनुस ने लिखी मुसन्निफ के अंदर किताबुल फर्क है, फिर किताबुस सनातुस सगीर है, किताबुल नब्ज़ सगीर है,
फिर उसके बाद किताबुल लफ्ज कबीर है, फिर उसके बाद में किताबुल खुलूस है, फिर किताबुल उस्तुखसात, उस्तुखसात कहते हैं अरकान को, एलिमेंट को, उसके बारे में भी इन्होंने मुकम्मल किताब लिखी है जिसको किताबुल उस्तुखसात का नाम दिया गया। फिर उसके बाद में जो है किताबुल मिजाज, जैसे कि हमने पढ़े मिजाज के अंदर कि मिजाज हार है, मिजाज बारिद है, फिर उसके अंदर तकसीम है, इसके बारे में उन्होंने मुकम्मल तकसीम के बारे में कि मिजाज की कैसी किस्में हैं, कितनी किस्में हैं, फिर नब्ज के एतबार से मिजाज, फिर उसके बदन के एतबार से मिजाज, जितने मिजाज की किस्म है उन्होंने एक जगह जमा करके उस किताब को नाम दिया किताबुल मिजाज। उसके बाद में जो है किताबुल कवियुल तबैया, फिर और एक किताब लिखिए किताबुल बुहरान है, फिर उसके बाद में एक किताब लिखिए किताबुल हमियात है, किताबुल बुहरान के अंदर दूसरी एक किताब है किताब अय्यामुल बुहरान है, और किताब तदबीरुल असहाय, और इसके अलावा दीगर दो चार किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बताया हूँ, लेकिन 16 किताबें जो उन्होंने लिखी है मदरसा अस्कंदरैन के, वो आप लोग जो है अच्छे से याद रखिए, इसलिए क्योंकि आप जब एमडी का ट्राई करोगे तो एमडी के ट्राई के अंदर उनकी किताबें पूछी जाती है, और यही मदरसे अस्कंदरैन की एक किताब कोई भी पूछी जाती है और उसके मुसन्निफ या मुसन्निफ का नाम जालिनुस दिया जाएगा और उनकी एक किताब के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी किताब उन्होंने लिखी, तो इस किताबों का जो है इल्म आप बगौर रखिए, और ये किताबें जो है मदरसे अस्कंदरैन में पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर जो है हमारा जालिनुस का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इरासी तरातुस के बारे में हम पढ़ेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।